आज हम आपके साथ शेयर करेंगे एकदम डिफरेंट और बहुत ही टेस्टी अनोखा अचार, आम का अचार। केरी का अचार हम सभी डालते हैं, आम का अचार बहुत अलग मज़ा देता है और बहुत ही अनोखे अंदाज में डाला जाता है, जिसमें हम लेते हैं आम, हम केरी नहीं लेते, पके हुए आम लेंगे और उसको चाकू से बिल्कुल अलग कर लेंगे, क्योंकि वो पके हुए रहते हैं इसलिए उसकी गुठलियाँ भी पूरी पूरी साबुत डालना पड़ेंगी, उसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे और उसमें डालेंगे हम ये अचार का मसाला। ये हमने 500 ग्राम एक किलो कैरी ली थी और उसमें 500 ग्राम अचार का मसाला लिया था, जिसमें से 100-150 ग्राम हमने अलग कर लिया। तकरीबन 350-400 ग्राम हम लोग इसके अंदर मसाला डालेंगे। वो मसाला भी हम दो बार में डालेंगे, एक बार में नहीं, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देखिए इसको हम लोग, और इसको हम लोग हाथ से नहीं मिलाते हुए चम्मच से मिलाएंगे, क्योंकि हमारा आम एकदम नरम हो गए हैं। उसके ऊपर डालेंगे हम थोड़ी सी सौंफ, उसको करेंगे अच्छे से चम्मच से मिक्स। एकदम पके हुए हैं आम हैं तो इसलिए हमसे हाथ से नहीं होंगे सही से, इसलिए आप चम्मच से कीजिए। बहुत बढ़िया से एकदम साइड से सब दूर से बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये अचार बहुत टेस्टी रहता है, बहुत अच्छा लगता है। हम इसको चाहें तो टिफ़िन में या घर पर ही किसी भी चीज़ के साथ डाल के, या दाल चावल के साथ काय के साथ खाएं, बड़ा अच्छा टेस्ट देता है। वैसे तो ये एक साल तक आराम से रह जाता है, लेकिन उतना टेस्टी और अच्छा अचार लगता है कि वो जब तक रह ही नहीं पाता है, ख़त्म ही हो जाता है। तो आप ज़रूर डालिए और हमें अपने कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये अचार आपको कैसा लगा। हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। ये हमने दोबारा पूरा मसाला डाल लिया जितना बचा था, दो बार में डालेंगे तो ज़्यादा अच्छे से मिक्स हो जाएगा नीचे तक। फिर से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ताकि आम के हर पीस पे पूरा मसाला लग जाए। इसका मज़ा बड़ा अच्छा रहता है, आम का मिठास भी रहती है इसमें और मसाले का तीखापन भी रहता है, इसलिए बहुत अलग मज़ा देता है अचार। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारे रेसिपी की सारी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके और आप इसको शेयर कीजिए। एकदम अच्छे से मिक्स कर दिया हमने। ध्यान रखिएगा कि चारों तरफ से बढ़िया सा मिक्स हो जाए, हर आम के बीच पे मसाला लग जाए। देखिए बढ़िया सा मिक्स होगा, एकदम सूखे जगह पर और सूखे चम्मच से इसको मिलाइए, और जब आप इसको पूरा बना के रखें तब भी आप इसको सूखे साफ जगह पर रखिए और सूखे ही चम्मच से निकालिएगा, आपका अचार एक साल तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। एक साफ सा कांच का बर्नी ले लीजिए, आप चाहें तो चीनी की भी ले सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो वो बर्नी ले लीजिए, उसके अंदर अचार डालिए, पूरी तरह अच्छे से मिला भर दीजिए उसके अंदर। देखिए ये हमारा अचार पूरी तरह से तैयार है एकदम खाने के लिए, और ये अचार हम 2-3 दिन में ही आराम से खा सकते हैं, क्योंकि पके हुए आम हैं तो वैसे ही पके हुए पहले से ही गले हुए, तो इसको हम 2-3 दिन में निकाल के आराम से खा सकते हैं। इसके ऊपर आप डाल दीजिए सरसों का तेल, अच्छे से हिलाकर चारों तरफ से तेल डालिए। तेल हमेशा अचार तेल में डूबा हुआ ही रहना चाहिए, वरना अचार ख़राब हो जाता है। अगर आपके बीच में अचार तेल कम भी हो जाए तो आप दोबारा थोड़ा सा डाल दीजिए। आप मसाले और चीरे को ऊपर तक के ही तेल रखिएगा, ये कभी भी ख़राब नहीं होगा। अचार में कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो अचार हमेशा अच्छा रहता है, साल, 2 साल, 3 साल तक जब तक रहे आपके पास कभी भी ख़राब नहीं होता। इसको अच्छे से पूरी तरह ढक दीजिए तेल से, और उसको बिल्कुल साफ़ बर्नी करके और कवर करके इसको रख दीजिए सूखी जगह पे, एकदम साफ़ जगह पे। और जब आप निकालें तो इस बात का ध्यान रखिए कि बिल्कुल सूखे हाथों से, सूखे चम्मच से निकालिएगा, और हमें बताइए ये आपको कैसे लगा। थैंक यू। अगर आपको हमारी ये डिश पसंद आए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को हिट करना ना भूलें।